शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे लेके जाओ इसे यहां से। इस हवेली में आज के बाद ये नहीं दिखनी चाहिए। हिम्मत कैसी हुई इसकी मेरे बड़े भाई साहब पर मेरे ही पापा के खून का इल्जाम लगाने की? साबित क्या करना चाहती है? क्या साबित करना चाहती है? नहीं गौर से नहीं, रुक्मी के सुनने में भूल चुक हो गई होगी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगू हूं, अब दोबारा ऐसी गलती कभी ना करेगी। अरे देख के रही मेरी तरफ, माँ की बांग को और सासे। अरी हिम्मत कैसे हुई बड़े कुंवरता पर उंगली उठाने की? तो झूठी बोलने लगी है, माफी मांग कुंवर सासे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। हर बार यही होता है, पहले गलती कर और उसके बाद माफी मांग, और उसके बाद उससे भी बड़ी गलती कर। इसके लिए ये सब केवल एक दिखावा है, दिखावा। और इसके इस बहकावे में मेरे घर के भोले भाले लोग आ जाते हैं, और इसे एक और मौका मिल जाता है। लेकिन अब नहीं, अब इसके इस नाटक से मैं अपनी दादी साहब और मासा को और दुखी नहीं देख सकता। आप देख रहे हैं, आज पापा साहब के चले जाने की वजह से हम सबकी क्या हालत है। ऐसा कितने टूट गए, और इसने इनके बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है। आप सोच भी सकते हैं क्या बीत रही होगी इनके दिल पर। रणवीर, कौन जिम्मेदार होगा इसका? रणवीर छोड़ दे, तीर तो कमान से निकल चुका है, अब ये सब कहने से जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता। वापस तो नहीं आवेगा, और मारे बेटे पे लगा हुआ अपमान मिट न सके। बड़े ठाकुर साहब, मारी छोरी को एक मौका और दे दो, छोटे ठाकुर साहब की खाते। हाँ, मैं रुक्मी से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि वो आगे से अपना मुंह कभी ना खोले। उठ, चल उठ, उठ, चल माफी मांग, माफी मांग। जी जी उनका नाम ले रही है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ,
मारी रुक्मी दीदी झूठ ना बोले। तू चुप कर, थारे को पड़ों के बीच बोलने की जरूरत थोड़ी। थारी अकल पर तो पर्दा पड़ गया, ना जाने थारी आंखें कब खुलेंगी। अरे अपना भाग समझ कि कुंवर साह ने इसके साथ साथ थारे को भी हवेली से बाहर ना निकाला। जो तू इस तरह इसका साथ देती रहेगी ना, तो वो दिन भी जरूर आ जाएगा। तब क्या करेगी? हाँ बोल, इसकी तरह अपने भाग को रोवेगी क्या? तेरा भाग तो वैसे भी हमारे हाथ में ना है, उसे तो आपने और बापू ने कब का बदल दिया। हाँ बदल दियो है तो कुछ सोच समझ कर ही। अरे थारी भलाई के वास्ते जब तक ये करम जली थारे और कुंवर साह के बीच खड़ी है ना, तब तक थारा भाग सुधरे का कोड़ी नहीं कह रही है माँ। जीजी मारे और कुंवर साह के बीच में खड़ी है। अरे जितना बड़ा बलिदान जीजी दे रही है ना, शायद ही किसी की बिंदनी दे पाएगी। वैसे भी मारी खुशियों का सबसे ज्यादा ख्याल जीजी ही रखे हैं। तो क्या करूं, आरती उतारो इसकी। छोटे बलिदान देकर महान बन रही है ना, जो से थारी खुशियों का इतना ही ख्याल था ना, तो क्या जरूरत थी इसे बड़े कुंवर साह के बारे में अड़ाप छड़ाप पकड़े की। अरे बड़े कुंवर साह कोई राह चलते भिखारी है के? जिसे डांटो पटकारो तो भी पलटकर कुछ ना बोलेंगे। अरे इसने तो सांप के बिल में हाथ डाला है, वो डर से बिना छोड़ेगा के? पर माँ मैं सच बोलूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। अरे कुंवर साह किसी से फोन पे बात कर रहे थे। चुप, एकदम चुप। जो एक बार भी तुमने अपने मुंह से ये बात निकाली ना, तो गला घोट दूंगी तेरा। वो झूठ दरोगा बोला, वो झूठ एक बड़ी साई सच बोल सकते है ना। बोल सुन ले ये बात, रुकनी अब अपना मुंह बंद रखेगी तू। इन बड़े लोगों के बीच बोलने की जरूरत कोड़ी। अरे तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी ही बनकर समझी। हाँ हवेली के लोग तो बात बात पर जीजी को नौकरानी होने का ताना देवे, और अब आप भी। हाँ मैं भी इसी दुनिया में रहूं, और मुझे भी इसी दुनिया के रीति रिवाज निभाने पड़े हैं। आखिर रुक्मी नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। और तू चुपचाप कर कर सुन, ये जीजी जीजी करना बंद कर और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। और तू आज के बाद तो कभी भी सच्चाई की पीपड़ी बजाने का मन करे ना, तो अपने बापू की इज्जत और अपनी छोटी बहन के सुहाग के बारे में सोच लीजिए। तुम्हारी वजह से कभी भी उजड़ सके है, समझी। ठंडी पियोगे तो नशा होएगा। तू तो कितनी पी चुका है, रात से पी रहा है भांजे, पर अभी तक नशा नहीं होया है। भांजे खून के दाग मिटाना इतना आसान नहीं होवे। जानू भांजे जो हुआ है उसको भुलाने के लिए इसका सहारा मत ले भांजे। आज तू बाल बाल बच गया। जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर काय को अपने आप को भी परेशान कर रहे और मारे को भी परेशान कर रहे। ये बात ना है कि मारे को काका सा की मौत का शौक ना है, शौक है पछतावा भी, पर इस बात को लेकर जिंदगी भर अपने आप को खुड़ता तो ना रह सकूं। और वैसे भी मामूस बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे चलना ही जीवन हो गए। हाँ और थारा जीवन चलता रहना चाहिए, चाहे इसके लिए अपनी माँ की झूठी सौगंधी क्यों ना खानी पड़े। ऐसा भी क्या कह रही हो जीजी? कुछ भी कहने की जरूरत ना है तुम्हें। खबरदार जो आज इसकी तरफदारी की है। मुझे सुकून था कि हमारा बेटा आपकी छत्र छाया में जीवन के दाव पे सीखा, इसीलिए आज तक मैं आप दोनों की छोटी मोटी हेरा फेरी पर पर्दा गिराए रहती थी। लेकिन लेकिन खून तुम्हें अपने चाचा का। जी जी मारी एक बात सुन,
फिर चाहो तो मैंने घर से निकाल, मैं दूर रहकर जी लूंगा। पर जीजी, आपकी आंखों में नफरत देखकर मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। जीजी, मैं जानू जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है, पर कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे मेरे भांजे ने एक झूठ को छुपाने के लिए इतना बड़ा जुर्म कर दिया। और इतने बड़े झूठ को छुपाने के लिए इसने बेहिचक अपनी माँ के सर पर हाथ रख दिया। इस बात की परवाह किए बगैर कि माँ छिपिया मरे। ऐसा कम से कम आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकूं, पर आप कह रही है कि मारे को आपकी परवाह ना। मासा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था, इसीलिए मैंने आपके सर पर हाथ रखा। उस रुक्मी को झूठा साबित करने के लिए मासा और कोई दूसरा रास्ता भी ना था। मासा मासा याद करने की कोशिश करो मासा कि मैंने क्या कहा था। आज मैं अपने माँ के सर पर हाथ रख के कसम खाता कि मैंने उस ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी। मासा, आपके सर पर हाथ रखकर मैंने सिर्फ इतना कहा था, काकासा की मौत की बात करने से पहले मैंने अपना हाथ हटा लिया था। मासा, आपके सर की झूठी कसम खाने से पहले अपने आप को खत्म करना मारे को मंजूर है। जीजी, ठंडे दिमाग से सोचो। मेघसा को मारने के अलावा भांजी के पास और कोई चारा ही नहीं था। मासा, काकासा ने तो ठान ली थी कि सारी सच्चाई पापा सा को बता देंगे, और जे उन्होंने ऐसा किया होता तो हम कहीं के ना रहते। पापा सा आपको और मामा सा दोनों को हवेली से बाहर निकाल देते और हाथ में कटोरा थमा देते, वो अलग। पापा तुम्हारे को जान से मार देते और आज काकी सा की वजह आप मारे मौत का शौक मना रहे होते। चुप कर, मारे थारे दुश्मन। वो तो मर क्यों जी जी, एक बात को ख्याल रख, रुक्मी मुंह नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि एक ही बात बार बार कानों में पड़े तो वो सच हो या झूठ उसको वजन बढ़ जावे। फिर अब क्या करना है? करणो कहे जी, शकुनी मामा के होते हुए जीजी आपको दुर्योधन की चिंता नहीं करनी। जैसे पूज्य मेघसा को कुचलने वाले ट्रक को चोरी का साबित करके मामले को रफा दफा कर दिया, वैसे ही रुक्मी को झूठा साबित करके दीप की खोई हुई हमदर्दी वापस हासिल नहीं कर ली तो मेरा नाम भी षड्यंत्र मामा। बस तू तो एक काम कर भाण दे, रणवीर को इस दुख से ऊपर नहीं बनते, उसका ध्यान रख, उसको संभाल, उसका दुख बांट। वैसे भी रणवीर रुक्मी से नफरत करे है, धारा मरहम जहर का काम करेगा और इस जहर से रुक्मी अपने आप ही मर जाएगी। फिकर मत करो मामा, रणवीर को आंसू बहाने वास्ते सिर्फ मारा कंधा मिलेगा, और जैसे ही हमारे कंधे पर अपना सर रखेगा तो उसके कान में सिर्फ एक ही बात गूंजेगी कि रुक्मी झूठती है। समझियो, लेट्स गो।
माफ कर दे छोटे, मैं चाहकर भी मैं काका सा को वापस ना ला सकूं और ना ही कुछ ऐसा कर सकूं कि तारा शोक कम हो जाए। मैंने मेक का काका को छोटे बोलना, अरे बोलना छोटे, थारे मन में रत्ती भर का भी शक होना ये हमारे से बर्दाश्त ना होगा। उस रुक्मी का लगाया हुआ लालच में बर्दाश्त कर सकूं पर अपने भाई की नजरों से गिरना ये मरने मंजूर ना है। इससे तो बेहतर है कि ये ले छोटे और गला काट दे मेरा। छोड़िए ऐसे आंखों से नीचे गिरने से अच्छा है कि मैं तारे हाथों से मर जाऊं। मार दे, मैं क्या मारे को मार छोड़े, छोड़े मार मारे को सब छोड़िए, मार दे मुझे, नहीं छोड़े मार दे बनने सब मारे को मरना छोड़े 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 आप सोच भी कैसे सकते हैं भाई साहब कि मैं आप पर शक करूंगा, आप पर। आप मेरे बड़े भाई सर और बड़ा भाई पिता समान हो, आपने ये कैसे मान लिया भाई साहब कि उस रुक्मी के कहने पर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। बस यही पहचान आप लोग इतना ही जान पाए। नहीं भाई साहब, मैं आप पर कभी शक नहीं करता, कभी। आप सारी दुनिया को धोखा दे सकते पर मारे को नहीं। आप के हो और के कर सको ये मैं अच्छी तरह से जानूं। इस वास्ते ये भी जानो कि जो जीजी कह रही है वही सच है ना बड़े कुंवर साहब। इस हवेली की बहू होकर इस हवेली के ठाकुर पर लांछन लगाना अन्य शोभा ना देवे। रणबीर को हमने हमेशा अपना बेटा माना और थारे ससुर सा के जाने के बाद नहीं उसका बाप पर मारे दोनों बेटों को किसी तरह की तकलीफ हो ये मारे को सहन नहीं होने का। ध्यान रहे अब इस परिवार के लोग ही थारे अपने और थारी बहन इस परिवार का हिस्सा ना।